फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता खान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ आलू की कतली, जिसके लिए हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं। इसको छीलकर और इस तरह से हमने गोल शेप में काट लिया है। कतली बन काट ली है इसकी। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टमाटर, कोरिएंडर लीफ। टमाटर को हमें फाइन चॉप करना है और कोरिएंडर लीफ को भी। ये हम लीफ गार्निशिंग के लिए डालेंगे। 5 सूखी लाल मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियां, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। लहसुन और रेड चिल्ली का हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटो हमने फाइन चॉप कर लिया है और कोरिएंडर लीफ को भी चॉप कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड, वो हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। इसके बाद डालेंगे पोटैटो, और इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे टमाटो, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक इसी के साथ भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे ये रेड चिल्ली और गार्लिक का पेस्ट, वो भी हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारे पोटैटो अच्छी तरह से गल नहीं जाते। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम खोलकर चेक कर लेंगे। देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे, इसको सॉफ्ट से चेक कर लेंगे। देखिए, हमारे आलू के अंदर सॉस आराम से जा रहा है, यानी हमारे आलू परफेक्टली टेंडर हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करना है। आलू की कतली देखिए बन चुकी है। ये बहुत ही स्पाइसी बनी है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को